महिलाओं पर अत्याचार बंद करो, बंद करो। रसोई पर मार बंद करो, बंद करो। आज महंगाई के कारण आम आदमी का रसोई उसके पहुंच के बढ़ रही है। गायन गाए जाते हैं सखी सैया बहुत कमाते हैं महंगाई गायन गाए जाते हैं। न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी, मैं इस समय मौजूद हूँ रीवा के कलेक्ट्रेट में। यहाँ पर कुछ महिलाएं हैं कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने गैस की रेट को लेकर यहाँ पर एक ज्ञापन देने का निर्णय लिया। लगातार जिस तरीके से देश में महंगाई बढ़ रही है, उन महंगाई को लेकर आम आदमी की जेब तो ढीली ही हो रही है। कोरोना काल में वैसे ही व्यापार ठप था, रोजगार के कोई भी साधन नहीं थे। यहाँ तमाम लोग मौजूद हैं, मैं उन्हीं से ही सीधे बात करता हूँ। उनकी क्या समस्या है, क्या समस्या बताइए। विजय लक्ष्मी मिश्रा, मैं महिला जिला अध्यक्ष हूँ उपभोक्ता प्रकोष्ठ में, और हम लोग हमेशा महिलाओं के लिए लड़ते रहते हैं। देखिए, बीजेपी की जो सरकार है बहुत ही भ्रष्ट और बहुत ही करप्शनकारी है, हर चीज़ों को महंगा कर दिया है। गैस का दाम देखिए, गैस ही बस से हम नहीं परेशान हैं, हमारे देश की जनता, महिलाएं सभी और पूरा भारत ही परेशान है। सब्जी महंगी कर दिया है, पूरा भारत परेशान है, हर चीज़ के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ तमाम लोग हैं, कम शब्दों में आप लोग अपनी बातें कहिए। मैं योगिता सिंह परियार, प्रदेश सचिव महिला कांग्रेस। आज स्मृति ईरानी जी को कहाँ, मतलब स्मृति ईरानी जी कहाँ हैं, जो हमेशा जब कांग्रेस के टाइम पे उसके दाम बढ़ते थे गैस के, तभी हमेशा हम सबके सामने खड़ी रहती थी, लेकिन आज जब ज़रूरत है, सही में देश को ज़रूरत है, तब ये कहाँ बैठी हुई है छुपके। और बोलिए, और क्या कहते हैं, जो भी LPG के जो भी रेट हैं उनको कम किया जाए और पूरे भारत की बात को सुनी जाए। बताइए। मेरा नाम राखी पांडे है सर, मैं कविता दीदी को धन्यवाद देना चाहूँगी, जो निरंतर रीवा के लिए कुछ किसी न किसी बात को लेकर सामने आती रहती हैं और रीवा की महिलाओं को जागरूक करती रहती है। सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगी कि आए दिन मामा जी जो हमारे बन के बैठे हुए हैं, हमारे मामा जी जो हैं वो निरंतर बढ़ोतरी करते जा रहे हैं, चाहे वो गैस हो, चाहे डीजल पेट्रोल हो, चाहे रोड हो, एक तरफ से मतलब भ्रष्ट सरकार। भ्रष्ट सरकार है आपका कहने का मतलब? मैं नजमा बेगम पार्षद हूँ, यहाँ आज हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं जो कलेक्टर साहब को, ये गैस सिलेंडर के जो दाम बढ़ाए गए हैं इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित महिलाएं हैं। सबसे ज़्यादा जो गरीब महिलाओं को कहते हैं कि हम बहुत उनका वो कर रहे हैं कि सिलेंडर दे रहे हैं, तो कहाँ से भरवाएंगे गरीब महिलाएं। कविता दीदी के नेतृत्व में ये रीवा में ये महिलाएं सभी इकट्ठा हों, ये सब शिकायत करें कलेक्टर साहब से कि मेरी बात जाके पहुँचाई जाए। मैं सीमा सिंह, ग्रामीण अध्यक्ष रीवा, और दो बार इतनी गैस महंगी हुई, जल्दी जल्दी बताइए। मैं रमा दुबे, महिला कांग्रेस की उपाध्यक्ष, मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस की। आज हम लोग जो ये सारी महिलाएं यहाँ पर खड़े हुए हैं, बड़े शर्म की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर, मुझे दया आती है, मैं उनका भाई हूँ, उनको कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा, लेकिन एक जो रोज़ की दिनचर्या है, रोज़मर्रा का कार्य है, जो महिलाएं सुबह से उठती हैं और चूल्हे चक्की में ही उनका समय बीतता है, उस गैस को इतना महंगा कर दिया गया है कि महिलाएं अगर सोचे भी तो वो उस तरफ देख नहीं पा रही हैं। इतना मतलब दुखी हो रही हैं कि मुझे तो पहले गैस का सिलेंडर दे करके लालच में कि मैं उज्ज्वला दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, और आज पहले सब्सिडी देते थे, आज सब्सिडी भी बंद कर दिया गया है। सब्सिडी भी बंद कर दी गई है, पहले गैस दी उज्ज्वला में दी, धीरे धीरे स्थितियाँ काफ़ी ख़राब हो रही हैं। बताइए जी, आपको जैसे आप सबको पता है कि इस कोरोना महामारी से पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है, पूरा देश इस कोरोना महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे में जो डीजल पेट्रोल और बढ़े हुए दाम गैस सिलेंडरों के आज मोदी सरकार ने बढ़ा दिया, कहते हैं हम गरीबों के हितैषी हैं, मैं समझ में नहीं आता कि कैसी हितैषी सरकार है। आज परिवार पालना इस कोरोना काल में परिवार पालना मुश्किल है, लोगों का भरण पोषण किस तरह हो रहा है आप सबको पता है, लेकिन ऐसे रोज़ बढ़ा रहे हैं, कभी आप देखिए डीजल पेट्रोल किस तरह रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, और 100 रुपये का एक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिया, और सब्सिडी भी नहीं मिल रही, जो उज्ज्वला योजना के तहत इतने सारे लोगों, गरीब लोगों को गैस मिला था, लेकिन आज इस महंगाई में वो ऐसी कबाड़ की तरह पड़ा हुआ है, तो ये मुझे नहीं लगता। और हम लोग आज सब हमारी महिला कांग्रेस ज्ञापन देने आई, आप लोग निश्चित रूप से ज्ञापन देने की बातचीत है। जिस तरीके से यहाँ पर उज्ज्वला
सरकार की एक बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला। उज्ज्वला को लेकर यहाँ तमाम तरीके के वादे किए गए थे, दावे किए गए थे। ये कहा गया था उज्ज्वला से गैस देंगे, लेकिन ये महिलाएं स्पष्ट रूप से कह रही हैं कि हमें उज्ज्वला का लाभ ही नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से रेट बढ़ाए जा रहे हैं, उस तरीके से ये माना जा सकता है कि ये एक बुरा फैसला सरकार का निकट भविष्य में ऐसा लग रहा है कि साबित होना जा रहा। और कोई कुछ बोलने के लिए तैयार बैठा है से भी चाहेंगे वो आए और बताएं यहाँ पर उन्होंने किस तरीके से महिलाओं को एकत्र करके रखा है। जी बताइए, किस तरीके से आज आपने महिलाओं को एकत्र करके रखा और ये गैस को लेकर आपने इतना हल्ला क्यों मचाया? रसोई गैस के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, 100 रुपए मोदी सरकार ने एक ही महीने में बढ़ा दिया। मैं आपको बीच में देखिए, प्रदेश नहीं देश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। नरेंद्र मोदी जी ने अगर कोई फैसला किया है तो बहुत सोच समझ कर किया होगा। आप प्रधानमंत्री के हर फैसले पर विरोध क्यों करती हैं? हम महिलाएं हैं, हम हमारी रसोई हमारी प्राथमिकता है। हमको अपने पति को बच्चे को और देश और समाज को भोजन कराना होता है, तो हम भोजन के लिए हमारी जिम्मेदारी होती है। तो आज यदि रसोई परिवार कोई भी करेगा, चाहे जो भी हो, हम उसके खिलाफ सड़क पर उतर के लड़ाई लड़ेंगे। रीवा जिले की महिलाएं सड़क पर उतरी हुई हैं और हम पूरी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे। जब तक रसोई गैस के दाम कम नहीं होते, हम सड़क पर जमे रहेंगे और मोदी जैसे तानाशाह को अपने निर्णय को वापस लेना होगा। प्रधानमंत्री जी अच्छी बात नहीं है, आपने कहा था कि हुआ महंगाई पर, बार आपकी बार मोदी सरकार, आपको जब से सरकार में लाया गया है आप लगातार महंगाई की मार महिलाओं पर दे रहे हैं। आज आप हमारे भोजन का अधिकार छीन लेना चाहते हैं। आपने उज्ज्वला योजना का ढोंग किया, आज उज्ज्वला योजना के सिलेंडर घर भर पड़े हुए हैं, उसकी टेबल कुर्सी का इंतजाम हो रहा है। 700-800 रुपए गैस का कैसे भरवाएंगी महिलाएं बताइए? सब्सिडी मिलती थी आम आदमी को, आज सब्सिडी आपने खत्म कर दी, तो आखिर आम जनता को आप क्या चाहते हैं? हम लोग इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हम गैस के दाम वापस आपको करने ही होंगे प्रधानमंत्री जी। यहाँ तमाम महिलाएं मौजूद हैं जिनका साफ तौर से ये कहना है कि नहीं चाहिए मोदी सरकार, बहुत हुई महंगाई की मार। कांग्रेस शासन में स्मृति ईरानी बैठ करके यही बताए जाते हैं, सैया बाबा हुए कमाते हैं, महंगाई डाल खाए जाते हैं, सैया बाबा हुए कमाते हैं, महंगाई डाल खाए जाते हैं। इस गाने के बाद ऐसा लगता है मेरा कुछ भी बोलना उचित नहीं है। ये महिलाएं हैं जो घर में खाना बनाती हैं तभी हम लोग को खाना मिलता है। अब बड़ी समस्या इनके हिसाब से ये है कि गैस के रेट बढ़ा दिए गए। कोरोना काल में वैसे ही तमाम तरीके के संकट थे, अब देखना है निकट भविष्य में सरकार इनकी मांगों को किस तरीके से पूरा करती है।